चलो इस संसार में कौन भिखारी नहीं, सब भिखारी हैं। हम पेट के भूखे हैं, रोटी के पीछे भागते हैं इसलिए रोटी की भिखारी हैं। ये सारे दौलत के चाहने वाले दौलत के भूखे हैं इसलिए दौलत के पीछे भागते हैं, दौलत के भिखारी हैं। ये कुर्सी को चाहने वाले वोटों के पीछे भागते हैं क्योंकि ये वोटों के भिखारी हैं। अपने मन से देखो तो संसार में हर इंसान हर घड़ी किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता है। हर इंसान किसी न किसी चीज का भिखारी है। ईश्वर कितना है, ये कोई भिखारी जिसकी तकदीर अच्छी होती है वो अच्छाई बटोर लेता है और जिसकी तकदीर खराब होती है वो बुराई बटोर लेता है। हराम की दौलत इंसान को शुरू शुरू में सुख जरूर दिलाती है मगर बाद में ले जाकर एक ऐसे दुख के सागर में धकेल देती है जहां मरते दम तक सुख का किनारा कभी नजर नहीं आता है। ये लालच बहुत खराब चीज है, ये इंसान को गुमराही के रास्ते पे ले जाती है, यही पाप के रास्ते पे ले जाती है और पाप के रास्ते पे चलने के बाद इंसान जिंदगी भर सुख का मुंह नहीं देख सकता है। जहां तक मेरे कंजूस होने का संबंध है मैं इस लफ्ज से बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, एक माँ जिसके कई बच्चे हों और आप जाकर उस माँ से उसका एक बच्चा मांगे, वो माँ अपना बच्चा आपको देगी? कभी नहीं देगी। इसी तरह मैं भी अपनी मेहनत से कमाए हुए अपने एक एक पैसे को अपनी औलाद समझता हूँ। अगर वो माँ अपना बच्चा नहीं देगी तो मैं भी अपना बच्चा आपको मुफ्त में नहीं दूंगा। अगर वो माँ कंजूस है तो मैं भी कंजूस हूँ और मुझे अपने कंजूस होने पर फख्र है। ऐसी शर्मिंदगी नहीं। ये अनाथ आश्रम सब नाम के होते हैं, असल में मुसीबत आश्रम होते हैं। अनाथ आश्रम में जो बेचारे बच्चे पलते हैं वो भूख प्यास गरीबी जुल्म मार सहते सहते बड़े होते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो आदि मुजरिम बन चुके होते हैं। साहब मैं तो कहता हूँ रुपये में बारहना जो मुजरिम है वो सब अनाथ आश्रम की पैदावार है। इंस्पेक्टर साहब आप अपनी इस वर्दी को हटाकर अपने खूबसूरत से दिल से सवाल कीजिए कि ये मासूम, ये छोटा फूल सा मासूम अनाथ आश्रम में पलने के लायक है? क्या हम लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी में खून इसलिए बहाया था कि भारत के भविष्य का बोझ उठाने वाले छोटे से मासूम कांडे